राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ धर्म के नाम पर वोट बटोरने का ट्रेंड शुरू हो चला है, तो दूसरी तरफ आए दिन पेपर लीक होने जैसी घटनाओं ने मेहनती युवाओं की मेहनत पर तमाचा मारा है। लेकिन काश ये तमाचा उस सिस्टम पर भी पड़ता जिसने युवाओं के सपनों के महल पर धांधली का बुलडोजर चला दिया। धर्म के नाम पर लड़ते समाज में युवाओं को रोजगार देने का धर्म भी चलाया जाए। अब आपको बताते हैं कि बेरोजगार नौजवानों को दिया गया भरोसा कैसे टूट रहा है। इसकी पोल खोलती ये रिपोर्ट, जहां टूटे मंदिर को बनवाने दौड़ पड़ी सरकार। बेरोजगार बनाकर छोड़ दिए गए युवाओं के टूटे सपनों को जोड़ने के लिए दौड़ना तो दूर, कदम भी तय नहीं कर पा रही है। ईद से पहले अलविदा नमाज के मौके पर जयपुर में मस्जिद के बाहर ही सड़क पर हर साल की तरह नमाज पढ़ने देने का मुकम्मल इंतजाम कराने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था जिम्मेदार है सड़क पर ही लाने के लिए उन युवाओं को जिनका धर्म अगर बेरोजगारी मान लिया जाए तो ये अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। तेज तपीश में तपते जयपुर में बेरोजगारों के सपने झुलस रहे हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, लेकिन इनके सपनों की जान निकालने वालों का जिम्मेदार कौन है? चलिए अब आपको वो तस्वीर बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कोरोना काल में आपकी हमारी जान बचाने वाले ये वो नौजवान हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज इन्हीं नौजवानों को अपना ही खून इस सिरिंज से निकालना पड़ रहा है, जिन्हें कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाकर भर्ती किया। वही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अब अपने ही खून से CHA लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भेज रहे हैं, क्योंकि इन 28,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को महामारी के चरम दौर में सैंपल लेने, दवा बांटने, वैक्सीनेशन के काम में इस्तेमाल करने अब वापस बेरोजगारी का बीमार बना दिया है। जिनकी एक ही गुहार है, पक्का नहीं तो संविदा पर ही काम दे दे सरकार। पिछले 28 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, पिछले 13 दिन हमने इसके अंदर जो वो आमरण अनशन भी किया था, सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल भर्ती हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई भी नहीं सुन रही, ऑफिशियली कोई भी वार्ता हमारे साथ नहीं हुई है, इसलिए मजबूरन हमें आज ये खून से खत लिखने वाला काम करना पड़ा। जिस राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण वाला मंदिर गिरने के बाद सरकार मंत्रियों को दौड़ा कर कहती है कि अरे हम मंदिर बना कर देंगे, उसी राजस्थान में देखिए गोद में बच्चे लेकर अपनी नौकरी का हक मांगती माओ को, जिनके लिए कान सरकारी व्यवस्था के नहीं खुल रहे। लेकिन सवाल है कि राजनीति से परे हट के क्या इन नौजवानों को रोजगार देकर अपना धर्म निभाएगी सरकार, या सिर्फ AC की गाड़ियों में बैठ कर ये जवाब देगी कि CHA का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं की जाती हो तक हम बैठे रहेंगे ऐसे ही। कोरोना के समय में हमारी जान बचाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, अब कोरोना खत्म हुआ या धीमा पड़ा तो ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस कड़ी धूप में जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही दिन ट्वीट किया था 28 दिन पहले कि इनकी समस्याओं के बारे में मुझे पता है, पूछ करेंगे। लेकिन आप ये ना भूल जाए कि 2023 सामने है, अब जनता की बारी है, क्योंकि अब जनता को ही तय करना है कि कब और किसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है या खत्म करना है। कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है, केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी, अब कोविड है नहीं इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। मुख्यमंत्री जी ने उनका बजट में उल्लेख किया, इन्होंने अच्छी सेवाएं दी है, उनका कोई न कोई मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, बजट में जो प्रावधान किया है उनके बारे में कोई न कोई फैसला होगा, उनको वेट करना चाहिए। आपको बता दें कि जयपुर में 30 दिन से बेरोजगार बना दिए गए 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों का धरना जारी है।